वीरवार को विकासखंड कंडाघाट के सभागार में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ मौके पर युवा केंद्र सोलन प्रभारी ईरा प्रभात ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान युवाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। विकासखंड कंडाघाट के सभागार में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले दिन क्षेत्र के 40 युवाओं ने हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान युवाओं को कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही समुदाय के उद्देश्य के अनुसार युवाओं को किस प्रकार समाज के निर्माण में अपना सहयोग देना चाहिए, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। नेहरू युवा केंद्र सोलन प्रभारी ईरा प्रभात ने बताया कि कंडाघाट में 3 दिनों तक चलने वाले युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का गुरुवार से शुभारम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा युवाओं को कम्युनिकेशन स्किल और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। नेहरू युवा केंद्र द्वारा कंडाघाट ब्लॉक में 3 दिवसीय युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 40 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं। इन युवाओं को नेहरू युवा केंद्र द्वारा विभिन्न तरह के रिसोर्स पर्सन बुला करके जानकारी दी जा रही है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, गवर्नमेंट की जो विभिन्न स्कीम्स है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, मुद्रा है, स्टार्टअप है, और जो हमारा समुदाय है उसके साथ युवाओं को किस तरह से मिक्सअप होकर के अपने समाज का निर्माण करना है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। 40 युवाओं को हम 3 दिन तक ये प्रशिक्षण देंगे, जिसमें हमारे विभिन्न तरह के रिसोर्स पर्सन आकर के पूरी जानकारी देंगे। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।